सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए प्रोएक्टिव न्यूज़, जो कि हमारी सीरीज़ है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज़ से, जो कि निकल के सामने आ रही है फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक ने लॉन्च कर दिया अपना नया फेसबुक मैसेंजर रूम्स, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। और इसकी मदद से हम अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं अप टू 50 पार्टिसिपेंट्स के साथ में। और ये एक रिस्पॉन्स है जूम ऐप के लिए। साथ ही में लॉकडाउन के टाइम से जो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उनकी पॉपुलैरिटी और ग्रोथ काफ़ी गेन हुई है। और इसी वजह से हमें यही फेसबुक की तरफ से देखने को मिल रहा है मैसेंजर रूम्स। साथ ही में अगले सप्ताह से हमें व्हाट्सएप से भी अप टू 8 पार्टिसिपेंट्स तक वीडियो कॉलिंग देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल डिवाइसेस के अंदर एक बग को लेकर के। और ये हमें एप्पल के सभी डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक सभी डिवाइसेस के अंदर हमें यही देखने को मिल रहा है। और ये हमें एक टेक्स्ट बॉम्ब के रूप में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसी बग की डिटेल में बात करते हैं तो ये हमें एज अ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें इटालियन फ्लैग इमोजी देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी डेंजरस है, इससे हमारा स्मार्टफोन क्रैश हो जाता है या फिर जो भी डिवाइसेस है वो क्रैश हो जाता है। और ये कहा जा रहा है कि ये बग सिर्फ हमें लेटेस्ट iOS यानी कि iOS 13.4.1 के अंदर ही देखा जा रहा है। साथ ही में इसकी एक वीडियो भी है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। So you don't need to have the Italian flag in there. It's just those weird characters, and I don't know why this keeps happening to iOS. It's the funniest thing. So 13.4.1, when you get the notification, it doesn't let you leave. और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है LG की तरफ से। और LG की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन LG वेलवेट हमें देखने को मिलेगा 7th of May को, यानी कि ऑफिशियली यही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 7th of May को। और ये एक ऑनलाइन इवेंट हमें देखने को मिलेगी। साथ ही में इसका एक टीज़र भी लॉन्च हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है व्हाट्सएप एड्स को लेकर के। और जल्द ही हमें व्हाट्सएप के अंदर ऐड देखने को मिलेंगे, यानी कि हमें व्हाट्सएप के अंदर क्लीन इंटरफेस की बजाय ऐड देखने को मिलेंगे इंटरफेस के अंदर। साथ ही में ये ऐड हमें व्हाट्सएप स्टोरी या फिर व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है Redmi Note 9 को लेकर के। और ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है 30th of April को। साथ ही में अगर बात करते हैं इसी की कुछ डिटेल्स की, तो इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें वर्ल्ड्स फर्स्ट MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G85 देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर और बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की, तो इसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एज अ प्राइमरी कैमरा काम करने वाला है। साथ ही में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमें 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है OnePlus G सीरीज़ को लेकर के। और इसी की कुछ लाइव इमेजेस लीक हुई है, और साथ ही में उम्मीदें लगाई जा रही है कि इसी OnePlus G सीरीज़ के अंदर हमें MediaTek की तरफ से आने वाली Dimensity 1000 सीरीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि Dimensity 1000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही में इसी स्मार्टफोन के अंदर हमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 30 वोट की फास्ट चार्जिंग और 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। और साथ ही में जो बैटरी होने वाली है वो हमें 4000mAh की देखने को मिलेगी। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलेगा वो हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है टेलीग्राम की तरफ से। और टेलीग्राम इस साल के अंदर अपना नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर लेकर के आने वाला है, यानी कि सिक्योर वीडियो कॉलिंग फीचर लेकर के आने वाला है टेलीग्राम इसी साल के अंदर। और साथ ही में जो यूज़र बेस है टेलीग्राम का वो हमें 400 मिलियन से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि एक्टिव यूज़र बेस हमें 400 मिलियन से ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल का इंडिया के अंदर शेयर को लेकर के, यानी कि क्वार्टर 1 2020 के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर हमें एप्पल का कितना शेयर देखने को मिल रहा है। तो जो शेयर हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 33% देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न जो है वो हमें आईफोन 11 की सेल देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से एप्पल ने इंडिया के अंदर रिकॉर्ड की है 126% की ग्रोथ।
तो आज के प्रोएक्टिव न्यूज़ में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ।